ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल को सेनापति कहते हैं। सेनापति इसलिए कहते हैं कि मंगल का काम है शासन करना, कमांड करना, यानी पुलिस, फौज, मिलिट्री, इसमें उच्च पदों की प्राप्ति, यानी कमांड करना, शासन करना। और यह आपका पराक्रम, साहस, आपकी वीरता, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों का संबंध सीधा मंगल से होता है। और यह अग्नि तत्व है, भूमि पुत्र का भी कारक है। और साथ में आपके जो सर्जिकल आइटम्स, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, और अग्नि, यह सब आपके मंगल से संबंधित क्षेत्र है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति है तो जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और उसके अंदर बहुत साहस और पराक्रम होता है। वह अपने साहस और पराक्रम के बल पर बहुत तरक्की उन्नति करता है, उच्च पदों की प्राप्ति होती है, शासन करता है, कमांड करता है। और अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ है तो थोड़ा समय समय पर साहस और पराक्रम में कमी आती है, और इन सभी क्षेत्रों में आपको थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करने पड़ते हैं, कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और थोड़े रक्त जनित तो आपके योग, तो आपके रोग, और तो आपके पित्त से संबंधित और गर्मी से संबंधित, तो ये थोड़े रोग भी आपको, तो आपको ब्लड प्रेशर, तो ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती है। बात करेंगे इनके परिवर्तन के बारे में। अभी तक यह आपके जो मंगल हैं कन्या राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 22 अक्टूबर को रात्रि 2:01 पर तुला राशि में संचार करेंगे। और तुला राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी देंगे। आज की वीडियो में दो राशि की जानकारी हम आपको देंगे, धनु राशि और मकर राशि। धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी देंगे। मित्रों, अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से इसको देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि हर ग्रह का जो राशि परिवर्तन होता है और मासिक फलादेश जो हम आपको बताते हैं कि आपके महीने का राशिफल, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका मार्गदर्शन होता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं पहले धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो मंगल का ट्रांजिट हुआ है वह आपके 11th हाउस में हुआ है, और 3 से 11 मंगल प्रायः शुभ फल देते हैं। हालांकि सूर्य वहां पर नीच के चल रहे हैं और सूर्य के साथ ही अंगारक दोष भी बनाएंगे, तो सूर्य थोड़े बैड इफेक्ट्स देंगे, लेकिन मंगल के यहां पर आपको अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। और यहां पर आपको लाभ, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आपके आय के स्रोत, तो आपका धन का आगमन आपके पास बढ़ेगा। और आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, तो खास तौर से एज में आपसे, उम्र में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद मंगल आपके यहाँ पर जो लॉर्ड है, आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, और वहाँ पर इनकी स्वग्रही सप्तम भाव पर इनकी स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है। 5th हाउस का लॉर्ड होने का मतलब ये आपके संतान का घर है, या आपकी एजुकेशन का घर है, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, संतान का सहयोग आपको मिलेगा, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, वो किसी पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं, और उनका नौकरी, पढ़ाई, एजुकेशन, और कोई बिजनेस में तरक्की उन्नति और संतान का लाभ, सहयोग, ऑल ओवर संतान का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी शुभ स्थिति है, कोई कोर्स करना है, एडमिशन करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, आप बाहर जाने के लिए प्रयासरत हैं तो अपना प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। प्रेम संबंध वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है, नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको मिलेगा, शुभ स्थिति है। उसके बाद फिर ये लॉर्ड है आपके 12th हाउस के लॉर्ड, यहाँ पर थोड़ा सा जो जातक विदेशों में है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम, या आप, तो आपका विदेश आना जाना रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ थोड़े संबंध खराब होना, थोड़ा पैसा रुकना, फंसना, अटकना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट होती तो आपकी हो सकती है, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ भी थोड़ी तकलीफ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, अनावश्यक खर्चा, तो पैसे का नुकसान, आपका धन का नुकसान, यह सब चीज़ें भी क्रिएट हो सकती है। और उसके बाद मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, ये अच्छी स्थिति है, उच्च की दृष्टि है, यहाँ पर आपको परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है, और परिवार वालों से आपको कोई फाइनेंशियली लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके जमा धन, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है, लेकिन वेस्ट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है आपकी आपके सप्तम भाव पर, पूर्ण दृष्टि हमने आपको बताया, अष्टम भाव पर, सिक्स हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, आपके शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, वहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा, ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी और आपको रास्ता को दिखाई देगा। देखिए मित्रों, यह जो राशि परिवर्तन है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन आपकी जो लग्न कुंडली होती है, जन्म कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है, तो यहाँ मंगल का राशि परिवर्तन आपको संभवतः बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशा, अंतरदशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः इनके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाए। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का भी एनालिसिस करा ले। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, उनका विश्लेषण होता है, तो शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और आप तरक्की उन्नति करते हैं। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार को प्योरिटी से रहिए और गुड़ वाली शक्कर चींटियों को खिलाएं और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, शुद्धता से और प्योरिटी से रहें। उसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो मंगल का ट्रांजिट 10th प्लेस में हुआ है, 10th प्लेस में जो जातक कार्य क्षेत्र में है, आजीविका से संबंधित यानी कैरियर से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, वहाँ पे आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल वहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव की स्थिति अभी नहीं बन रही है, बहुत बड़ा बदलाव आप मत लाएं, क्योंकि 17 तारीख से ऑलरेडी वहाँ पर सूर्य भी संचार कर रहे हैं और जब मंगल वहाँ पर जाएंगे तो अंगारक दोष बनेगा, सूर्य वहाँ नीच के हो जाएंगे। हालांकि 10वें घर में सूर्य भी आपको शुभ फल देते हैं और मंगल भी शुभ फल देते हैं, लेकिन अंगारक दोष बनेगा, थोड़ी टकराव की स्थिति पैदा होगी। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई परिवर्तन आप मत लाएं। कोई छोटा मोटा परिवर्तन बदलाव ला सकते हैं अपनी नौकरी में या अपने बिजनेस में, कार्य व्यवसाय में, आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, लेकिन कोई बड़े परिवर्तन के बारे में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया या बहुत बड़ा रिस्क आप अपनी नौकरी में मत लें। जो जैसा है उसी में मेहनत करते रहें, यहीं आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे तो आप इसमें लाभ प्राप्त करेंगे। उसके बाद मंगल की जो दृष्टि है, यह आपके चौथे घर पर सप्तम भाव पर स्वग्रही अपनी राशि मेष राशि पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर, जो कि बहुत शुभ स्थिति है। मंगल चूंकि भूमि, मकान, वाहन का कारक, पुत्र का भी कारक है, तो यहां पर आपको पुत्र की प्राप्ति, भूमि, मकान, वाहन, कोई चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। इससे पहले कोई वाद विवाद, अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपके चल रहे थे और या कोई आप योजना बना रहे थे और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें व्यवधान दिक्कतें आ रही थी, आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, कोई वाद विवाद था, वह सब दूर हो जाएगा और अब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भूमि, मकान, वाहन, इन सब चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। आपके घर में लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ भी आप गेन कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और आपको मेंटल पीस और घर का पीस मिलेगा, शुभ स्थिति है। उसके बाद ये यहाँ पे लॉर्ड है आपके सोर्स ऑफ इनकम के, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति, इससे पहले धन का आगमन, सोर्स ऑफ इनकम आपका रुक गया था, बंद हो गया था, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा, बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको पूरा भरपूर मिलेगा। दृष्टि की बात करते हैं, चौथी दृष्टि फर्स्ट हाउस पर, यहाँ पर आपका पराक्रम, आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत आ जाएगा, साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा और अपने साहस और पराक्रम के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत स्मार्ट हो जाएगी, तो यहाँ आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा, शुभ स्थिति अच्छी स्थिति है। उसके बाद इनकी तो जो इनकी अष्टम दृष्टि है आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, यहाँ थोड़े मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं, थोड़ी मानसिक चिंता, टेंशन, इरिटेशन, कन्फ्यूजन, थोड़े जो डिसीजन लेने में कमी, विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी असमंजस की स्थिति और जो मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, थोड़े कन्फ्यूजन्स, ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, संतान की आपकी कोई हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या कोई उनका विवाह शादी के संबंध में कोई प्रॉब्लम या संतान से कोई मतभेद, डिफरेंसेस, ये थोड़े से आपको थोड़े मिश्रित फल यहाँ पर, तो अशुभ फल भी मिल सकते हैं और थोड़े अशुभ फल भी, यानी तो यहाँ पर थोड़े से मिश्रित फल रहेंगे क्योंकि वहाँ पर आपके राहु भी आपके संचार कर रहे हैं, तो मंगल राहु की दृष्टि टकराएगी तो थोड़े से वहाँ पर तो संभवतः थोड़े से आपको मिश्रित, थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ी क्रिएट होगी, तो ये थोड़े मिले जुले आपको यहाँ पर इसका प्रभाव मिलेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपके लग्न कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है, मेन अहमियत होती है।
अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह किसी ग्रह की दशांतर दशा किसी भी ग्रह की आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही तो निश्चित मानिए यहाँ पर जो मंगल का सेनापति मंगल का जो ट्रांजिट है राशि परिवर्तन है आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी ग्रह की दशांतर दशा आपकी अशुभ चल रही है तो संभवतः इनके शुभ जो फल है उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी, फिर इसके 20-30% तक ही आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर कराएं। और मकर राशि वाले जातकों के लिए एक स्पेशल एक मैसेज ये मैं देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक 37.5 शटन भी चल रहा है और शनि अभी आपकी राशि के ऊपर डायरेक्ट भी हो गए तो थोड़ी परेशानी का वक्त तो चल रहा है। तो आप क्या करें, सब परेशानियों से बचने का एक उपाय है, सब ग्रहों से बचने का एक उपाय हनुमान जी के शरण में आए, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु। इस दोहे को कम से कम 27 टाइम या 108 बार जरूर पढ़िए, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ। तो जितने भी आपके समस्त प्रकार के आपके संकट हैं, आपकी परेशानियाँ हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको सॉल्व होती नजर आएंगी। मंगलवार शनिवार को प्योरिटी से शुद्धता से रहें और हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।